क्या है मित्रों, केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर हुई विमान दुर्घटना का सच। नमस्कार, आप सभी का कविता इज हियर यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। जीके 2020 अपडेट सीरीज की ये वीडियो आपकी सेवा में पुनः उपस्थित है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र एवं सेल्फ नॉलेज एनहेंसिंग के एक पावरफुल टूल के रूप में ये अत्यंत सहायक रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी। क्या है मित्रों, केरल के कोझिकोड कालीकट, जिसका प्राचीन नाम कालीकट है, हवाई अड्डे पर हुई विमान दुर्घटना का सच। इस दुर्घटना में दो पायलट सहित 18 व्यक्तियों की जान गई। ये एयर इंडिया का विमान दुबई से कालीकट वंदे भारत मिशन के तहत आ रहा था। अब सवाल उठता है कि वंदे भारत मिशन क्या है। इसके तहत भारत सरकार विदेशों में लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी भारतीयों के स्वदेश वापसी का अभियान प्रशस्त करती है। नेक्स्ट, कोझिकोड एयरपोर्ट एक टेबल टॉप रनवे है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या होता है टेबल टॉप रनवे। टेबल टॉप जो एयरपोर्ट पहाड़ियों के मध्य बनाए जाते हैं उन्हें टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। नेक्स्ट, कि इस समय देश में कितने टेबल टॉप रनवे हैं। फर्स्ट कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटक। थर्ड लैंगपुई एयरपोर्ट मिजोरम। चौथा चित्रकूट में निर्माणाधीन है। नेक्स्ट, कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इससे पूर्व 2010 में भी बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, जिसमें 158 लोग मारे गए थे। टेबल टॉप रनवे घाटियों से घिरे रहते हैं। रनवे के एक या दोनों छोर पर गहरी ढाल होती है। जैसे जैसे विमान नीचे आता है, पायलट को दृष्टिभ्रम हो सकता है। सही दृष्टिकोण अपनाना पायलट के कौशल की भी परीक्षा होती है। मौसम खराब और दृश्यता कम होने के कारण रनवे चूकने के बाद विमान फिसल गया और इसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे रनवे दिखने में जितने सुंदर होते हैं, यहाँ लैंडिंग उतनी ही जोखिम भरी होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर दें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम पाने के लिए। टिल देन, ओके बाय।